ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट टेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए। हमारी पेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट टेक में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा मैनुअल कैमरा ऐप है जो कि यूज़ करता हूं। तो दोस्तों, मैनुअल कैमरा ऐप आपको इस वजह से चाहिए होता है, अगर आपको मैक्रो शॉट्स लेना बहुत पसंद है तो आपके लिए मैनुअल कैमरा ऐप काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही फ़ोन में कैमरा में प्रोफेशनल मोड है जहाँ से आप फोकस एंड वाइड बैलेंस एक्सपोजर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको मैनुअल कैमरा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने क्रोम से अलग से डाउनलोड किया हुआ है, इसका प्रो वर्जन है उसी ऐप का। तो चलिए इस ऐप को खोल के देखते हैं। तो ओपन करने पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने में मिलेगा। फिलहाल मैं अपनी छत पर खड़ा हूँ एंड अभी यहाँ पर हम कुछ शॉट्स लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको फोकस मिल जाता है जो कि मैंने अभी मैनुअल पे किया हुआ है। इसको आप जैसे कम करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे इधर की तरफ, तो एकदम मैक्रो शॉट्स आ जाएगा और यहाँ पर इंफाना है, तो इसे ऑटो कर देंगे। और यहाँ फोकस के जो देखेंगे तो बहुत सारे मोड आपको मिलेंगे, मैक्रो फोकस एंड फिक्स्ड फोकस, फोकस इन्फिनिटी, ये आप जो मैंने अभी आपको दिखा था वो, और ये अपना कंटिन्यूस फोकस, इसमें आपका फ़ोन जो है बार बार फोकस करता रहेगा। एक्सपोजर मिल जाता है, यहाँ आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं या बिल्कुल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या आप इसे इतना करके फिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ वाइट बैलेंसेज मिल जाएंगे, जैसे मैनुअल आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको शाम का रखना है तो शाम का रख लीजिए, या अलग अलग तरीके आपको मिल जाएंगे कलर्स। यहाँ आपको कलर इफेक्ट मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये नेगेटिव जो आपके फ़ोन में नॉर्मल रहते हैं वही, ज़्यादा खास नहीं है ये। फिलहाल अभी हमें इनका कोई काम नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक और बटन मिलेगा, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे HDR और ये रिपीट इंटरनल शॉट्स और BRK और यहाँ पे फोटोज नंबर एक साथ भी फोटोज ले सकते हैं, ये भी आपको इसमें फीचर मिलता है। यहाँ आप सेटिंग्स में देखिए, ये देखेंगे तो यहाँ आप मेरे जो फ़ोन का है Honor 7C का जो 13+2 मेगापिक्सल है रेयर कैमरा, तो यहाँ मैंने इसको हाईएस्ट सेट किया हुआ है 4:3 13 मेगापिक्सल। एंड यहाँ इमेज क्वालिटी आप इसे 95% पर रहेगी, आपको 100 कर लेनी है ताकि और ज़्यादा अच्छी बनेगी। यहाँ अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो वीडियो है उसका रेजोल्यूशन फुल HD से यहाँ पे मैंने इसको हाईएस्ट किया हुआ है। एंड बिट रेट आप बढ़ाएंगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा MB की बनेगी, अगर कम होगी तो बहुत ज़्यादा MB की बनती है। एंड यहाँ फ्रेम रेट्स आप अपने हिसाब से बढ़ा कम सकते हैं, मैंने इसे डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। एंड मैक्सिमम वीडियो ड्यूरेशन अनलिमिटेड ही है। यहाँ आप अपने हिसाब से और भी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल स्टोरेज में कर सकते हैं, आप अपने वॉल्यूम कीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ आप चाहें तो गाइडलाइंस भी ला सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पे कुछ शॉट्स दिखाता हूँ जो मैंने खींचे हैं इसी कैमरा ऐप से। दोस्तों, ये जो ऐप है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फोटोज़ पसंद आए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्मार्ट टेक को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।